नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम। मैं चैनल पंकित गोयल फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं लॉकर्स की, सेफ की, ताकि आप सभी का पैसा सेफ रहे। कहां पर होना चाहिए लॉकर और लॉकर की भ्रांतियां और मिथ क्या क्या है, लॉकर कहां हो सकता है, लॉकर कहां नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग लॉकर को या अपने घर की तिजोरी को कुछ इस तरीके से रखते हैं इतने सारे मिथ्स के साथ में कि वो और पैसे की प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। तो आज मैं बात करूंगा लॉकर की, जिससे आपके घर में हमेशा लक्ष्मी भरपूर रहे, आपके घर में धन की कभी कोई कमी ना आए और हमेशा बरकत बनी रहे। तो लॉकर की सबसे पहली कमियां क्या क्या हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, लॉकर में जो हमेशा आप लोग ये सोच लेते हो कि लाल कपड़ा होना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाल कपड़ा रखा जा सकता है पर सही दिशा में है तभी। अगर वो लॉकर गलत दिशा में है और वहां पर आपने लाल कपड़ा रख दिया तो ये बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। दूसरी बात, लोग हमेशा लॉकर को लेकर ऐसा सोचते हैं कि वो उत्तर की तरफ फेस किया हुआ होना चाहिए या हमेशा उत्तर की तरफ ही लॉकर खुलना चाहिए, जबकि ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। हाँ, उत्तर की तरफ खुलता हुआ लॉकर हमेशा अच्छा जरूर होता है, बशर्त ये कि वो फिर से सही दिशा में है या नहीं। तो सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देनी है दिशा को कि वो कौन सी दिशा में रखा गया, ना कि उसकी फेसिंग को या लाल कपड़े को। तीसरी बात, वैसे ही लोग हमेशा ये सोचते हैं लॉकर के अंदर कांच रखने से, मिरर रखने से पैसा मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अगर वो गलत दिशा में आ गया तो पैसा डूबो सकता है। तो कहां पर लॉकर होना चाहिए? नंबर वन, लॉकर की पहली प्रेफरेंस है वेस्ट दिशा, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा का लॉकर हमेशा आपको फायदा देता ही देता है। दूसरी दिशा, उत्तर। अगर आपकी घर में उत्तर दिशा में स्पेस है तो आपको अपना लॉकर उत्तर में रख देना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा समृद्धिकारक और पैसे के लिए अच्छा होता है। तीसरी दिशा है दक्षिण, साउथ। इस दिशा में भी लॉकर होने से बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगर इन तीनों दिशाओं में लॉकर है तो आपको अच्छे परिणाम क्यों मिलते हैं? पश्चिम दिशा स्पेस एलिमेंट की दिशा है, मैनिफेस्टेशन की दिशा है, गेंस की दिशा है, वरुण और पुष्पदंत देवता की दिशा है। इस दिशा में रखा गया पैसा बढ़ता है, सेफ गार्ड रहता है, हमेशा बरकत देता है, मैनिफेस्ट करवाता है आपकी अपनी इच्छाओं को, आपको अपने आप से जोड़ता है, आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखता है। व्यापारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पश्चिम दिशा में लॉकर होना, चाहे घर पे या फिर उसकी दुकान पर, व्यापारिक स्थल पर। बात करते हैं उत्तर की, तो उत्तर दिशा में भी अगर लॉकर है तो फलदायक होगा, क्योंकि ये दिशा है कुबेर की, सोम की और भल्लाट की। ये दिशाएं सोने को रिप्रेजेंट करती हैं, ये दिशाएं भल्लाट को, एक्सपेंशन को, आपकी नई ऊंची उड़ानों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ऐसा पैसा जो आप अपने कर्मों से कमाएंगे, खूब मेहनत करके कमाएंगे, ये पैसा उत्तर दिशा का पैसा है। और दक्षिण दिशा का पैसा, जो अक्सर लोग गलती करते हैं, अग्नि कोण में लॉकर लगवा देते हैं कि अग्नि कोण में, साउथ ईस्ट में अगर आपका लॉकर है तो बहुत पैसे का कारक है, क्योंकि वो दिशा कैश की है। लेकिन रियल में अगर आपका लॉकर साउथ ईस्ट में आता है तो आपकी पेमेंट में भी आग लग सकती है, क्योंकि वहां की फायर हाइपर एक्टिव या बहुत तेज है। जबकि दक्षिण दिशा में अगर आपका लॉकर है तो वो ज्यादा समृद्धि कारक है, क्योंकि यहाँ की दिशा नेम, फेम और रिलैक्सेशन के साथ में आपको पैसा देती है, मतलब प्रसिद्धि भी देती है, आपको काम भी देती है, आपका नाम भी अच्छा करती है और आपको सुख शांति की प्राप्ति कराते हुए पैसे की कारक बनती है, यम की दिशा है। तो आप दक्षिण में भी पैसा रखते हैं, लॉकर रखते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा कारक बनता है। इसलिए इन तीनों दिशाओं में आप अपना लॉकर रख सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अगर आपको अपने लॉकर के अंदर कोई कपड़ा रखना है तो लाल कपड़ा सिर्फ आएगा दक्षिण दिशा वाले लॉकर में, पीला कपड़ा आएगा पश्चिम दिशा वाले लॉकर में और सफेद या नीला कपड़ा आएगा उत्तर दिशा वाले लॉकर में।
और उसके बाद अगर आपको मिरर रखना है, कांच रखना है, तो वो आएगा उत्तर दिशा वाले लॉकर में या पश्चिम वाले में। दक्षिण में रखा गया मिरर आपके पैसे को बल्कि डुबोने का काम करेगा, उसको ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सारे मिथक और भ्रांतियों को दूर करते हुए अपने घर में लॉकर को रखना है, ताकि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें और आप सभी को बहुत सारा धन और सुख सेहत जरूर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।